गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि हम फिर से पढ़ाई से प्रतियोगिता की तैयारी के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल के साथ आ गए हैं। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण हम थोड़े लेट हुए हैं, परंतु हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी तैयारी रुचिकर और सारगर्भित हो। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर अर्थात अंग्रेजी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि नाम और उसके अर्थ से ही पता चलता है, पार्ट्स भाग ऑफ के स्पीच कथन अर्थात वाक्य के भाग। वाक्य के भाग के विषय में बताने से पहले आइए एक सेंटेंस की मदद से इसे समझते हैं। इस वाक्य को देखिए। यम, टीना ऑलवेज कुक्स टेस्टी दाल एंड चूरमा फॉर मी। इसमें यम इंटरजेक्शन है, टीना नाउन है, ऑलवेज एडवर्ब, कुक्स वर्ब, टेस्टी एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन फॉर प्रीपोजिशन मी प्रोनाउन। इस प्रकार पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो परिभाषा निकल कर आती है वह कुछ इस प्रकार है। वर्ड्स दैट परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। आइए अपनी शीट के माध्यम से इसे कुछ इस प्रकार समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारी इंग्लिश ग्रामर की शीट क्रमांक एक। इस शीट में सबसे पहले आपको ग्रामर का पोर्शन दिया गया है और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कोई भी ऐसा अनसीन पैसेज जो आपको समझकर पढ़ना है और उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यह कॉम्प्रिहेंशन आपकी रीडिंग को इम्प्रूव करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। इसीलिए आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और समझेंगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। पहले हम ग्रामर के पोर्शन पर ध्यान देते हैं और उसके बाद फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर। ग्रामर के पोर्शन में हमने पहले भी पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। इसकी हिंदी में परिभाषा जान लेते हैं। हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग वाक्यों के रूप में करते हैं। इस प्रकार एक वाक्य शब्दों का अर्थपूर्ण व व्यवस्थित समूह होता है। शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद कहते हैं। आइए इसको इस तरह से समझते हैं। हम जब घर बनाते हैं तो उसमें हम सीमेंट, बालू, पानी, कंक्रीट, ये सब चीज़ें लगाते हैं, लेकिन जब वो तैयार हो जाता है तो हम उसे घर बोलते हैं। इसी प्रकार हमारे जो सेंटेंसेस हैं उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी से मिलकर बना होता है एक सेंटेंस, लेकिन हम इसे सेंटेंस बोलते हैं। जब हम इनको अलग अलग देखते हैं तो उनके कितने भाग हैं उनके बारे में हम समझ सकते हैं। तो आइए इनके भागों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। नाउन, किसी भी वस्तु, स्थान, किसी भी व्यक्ति या किसी भी एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, और जब जिस चीज़ का नाम है तो वो नाउन है अर्थात वो संज्ञा है। तो आपको समझ आया होगा, आप अपनी नज़रें कहीं पर भी दौड़ाइए और आपको जो भी दिखे और उसका जो भी नाम हो वो संज्ञा है। जैसे ग्लास, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्पीकर, पर्स, सीजर्स, ये सभी चीज़ें संज्ञा ही हैं, नाउन ही हैं। दूसरा आपका है प्रोनाउन। अब अगर आपको कुछ लिखना है और आप लिख रहे हैं, सपोज़ कर लीजिए कि आप राम लिख रहे हैं, राम स्कूल जाता है, राम खाना खाता है ना,
तो जब आप बार बार किसी भी चीज़ को किसी नाम से लिखते हैं तो वो देखने में, वो जो फॉर्मेशन होता है वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन वह शब्द होता है जिसे हम नाउन अर्थात संज्ञा के बदले में प्रयोग करते हैं। प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं वी, शी, यू, दे। जैसा कि आप देख सकते हैं ना, वी, शी, यू, दे। इसके बाद एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव पर आते हैं। एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो किसी भी नाउन मतलब संज्ञा, मान लीजिए एक लड़का है, वो नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, और हमने कहा अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है, लंबा लड़का है, पतला लड़का है, शैतान लड़का है। यदि हम उस बच्चे को उसकी विशेषता के लिए जो भी शब्द, जिस भी शब्द का प्रयोग करते हैं वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। तो अब आप देख सकते हैं इसके लिए फिर से एग्जाम्पल्स, गुड, फैट, बिग, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आर्टिकल्स पर। जैसा कि आप देख रहे हैं आर्टिकल्स विशेषण, विशेषाद, सही रूप में देखा जाए तो यह एडजेक्टिव का ही एक रूप होता है जिसे हम अलग से आर्टिकल का नाम देते हैं। यदि किसी भी वस्तु ए है, एक है, तो हम आ का यूज़ कर देते हैं। इसके और भी विस्तार में नियम हैं जिसे आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जान सकते हैं कि आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, ए, एन और दी। आगे बढ़ते हैं तो हमें वर्ब देखने को मिलता है। वर्ब का अर्थ है क्रिया। वर्ब वो सभी शब्द होते हैं जिससे हमें किसी भी कार्य के करने का बोध होता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं बोलने का काम कर रही हूँ, तो स्पीक यहाँ पर वर्ब हो गया। इसी तरह यदि आप पढ़ते हैं रीड, अगर आप लिखते हैं राइट, यदि आप खेलते हैं प्ले, ये सभी वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं अर्थात उदाहरण हैं। तो हर किए जाने वाले कार्य को वर्ब कहते हैं। रोना, हंसना, गाना, नहाना, खेलना, कूदना, ये सभी वर्ब हैं। अब आइए देखते हैं एडवर्ब। जैसा कि आप देख सकते हैं एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडवर्ब ना केवल वर्ब की बल्कि एडजेक्टिव की, स्वयं एडवर्ब की, इन सब के बारे में, इन सब की विशेषताएं बताता है, अतः उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा कि इसकी हिंदी से लगता है कि क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन इसको जब हम विस्तार में जानते हैं तो यह एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब अपनी स्वयं की भी विशेषता बताता है। तो इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, ये है फास्ट, स्लोली, वेरी, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसी क्रम में अगला शब्द है प्रीपोजिशन। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी मीनिंग संबंध सूचक अव्यय, जिसका उदाहरण है इन, ऑन, एट, बाय। अब हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये देखते हैं कि यदि एक वाक्य हम बोलते हैं कि पेन मेज पर है, तो पेन और मेज के बीच में जो संबंध बताता है वो कौन है, शब्द पर, और पर को इंग्लिश में बोलते हैं ऑन, ठीक है। मैं कमरे में हूँ तो मेरे और कमरे के बीच संबंध कौन बता रहा है, मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई एन इन।
इस तरह से जो ये प्रीपोजिशन है वो नाउन और दूसरे नाउन के बीच का जो संबंध होता है वो बताते हैं। आगे देखते हैं, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, कंजंक्ट करना, जोड़ना, संयोजक, जो किसी भी सेंटेंस को, शब्द को, मीन्स वर्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एंड, बट और। जैसे राम और सीता, राम सीता, इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर सकता है? और। तो यहाँ पर जो और है वो एंड के लिए, एंड से और का अर्थ पता चलता है। इसी प्रकार बट, जैसे मैंने कहा वह पढ़ाई में तो अच्छा है पर शरारती बहुत है। यहाँ हमने दो सेंटेंसेस जोड़े, दो वाक्यों को आपस में जोड़ा। एक वाक्य जो बता रहा है वह पढ़ने में तो अच्छा है लेकिन, बट को लेकिन बोलते हैं, लेकिन वो शरारती भी है। तो इस तरह से शब्दों और वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले, संयोजक के काम को करने वाले शब्द को, पार्ट को कंजंक्शन बोलते हैं। और इसके बाद हम आते हैं इसके आखिरी भाग पर जो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे हम किसी भी शब्द से यह बताते हैं कि हम दुखी हैं, कोई ऐसा शब्द है जो हमें दुखी, खुश, बहुत आश्चर्यचकित, ये सब बता दे। जैसे आह, आह का मतलब है कि कोई बहुत ज़्यादा दर्द में है, कोई बहुत ज़्यादा दुखी है। उसी प्रकार ओह, कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है, आश्चर्यचकित है। अलास, अलास भी दुख को ही प्रकट करता है। हुर्रा, हुर्रा बहुत ज़्यादा खुशी को प्रकट करता है। तो ऐसे शब्द जो सुख, दुख, आश्चर्य को प्रकट करते हैं उन्हें हम इंटरजेक्शन बोलते हैं, जिसका अर्थ है विस्मयादि बोधक शब्द। अब आइए कुछ इससे ही संबंधित थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे एक प्रश्न दिया हुआ है, फाइंड आउट द ऑड वन। आपको ये बताना है कि इन चार में से, एक दो तीन चार, अलग क्या है। तो आपने तो उत्तर निकाल लिया होगा ना पहले। चलिए हम कोशिश करते हैं फिर से इसे समझने की। देखिए यहाँ गोपाल है, गोपाल एक लड़के का नाम है, गीता किसी लड़की का नाम है, लखनऊ किसी जगह का नाम है, लेकिन जो शी है, ये शी किसी लड़की के, लड़के किसी लड़की के या नाम के जगह पर हम शी का यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी नाउन की जगह पर किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ जो ये सभी हैं, गोपाल, गीता, लखनऊ, ये सभी हैं नाउन, परंतु शी, शी प्रोनाउन है, प्रो प्लस नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा शी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें देखते हैं बिग, टॉल, चेयर, ऑनेस्ट। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि बिग बड़ा, टॉल लंबा, चेयर कुर्सी, और ऑनेस्ट ईमानदार। इसका मतलब जो ये तीन शब्द हैं वो तो किसी न किसी की विशेषता बताते हैं, लेकिन ये केवल एक नाम है और इस नाम को
हमें अलग करना है क्योंकि क्वेश्चन ही है फाइंड आउट द ऑड वन, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो चेयर होगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, इन बट ऑन एट। इसमें देखिए इन ऑन और एट ये तो प्रीपोजिशन है परंतु बट कंजंक्शन है, तो हमारा आंसर बट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें जिसमें अंडरलाइन हुआ है, देखिए आप देख पा रहे होंगे कि एन को अंडरलाइन किया गया है, तो एन यहाँ पर क्या है, आर्टिकल है ना, तो आपको यहाँ पर आर्टिकल पर टिक या सर्कल लगाना होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, दे प्लेड फुटबॉल, दे अंडरलाइंड है, दे नाउन तो नहीं है, प्रोनाउन है, तो हम यहाँ पर प्रोनाउन को अंडरलाइन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, हुर्रा वी हैव वन द मैच। हुर्रा के नीचे अंडरलाइन है, हमें सिर्फ ये देखना है किसके नीचे अंडरलाइन है। हुर्रा के नीचे अंडरलाइन है, इसका मतलब है हुर्रा कंजंक्शन तो नहीं है, अभी बताया था ना, जिससे हमें खुशी का पता चलता है, हुर्रा एक खुशी व्यक्त करने का शब्द है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4, राम वर्कड हार्ड बट फेल्ड। अभी बट पर अंडरलाइंड है, अभी ऊपर के क्वेश्चन में भी आया था, बट एक कंजंक्शन है, तो आपका उत्तर होगा कंजंक्शन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर शर्मा इज एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में अंडरलाइन है, तो हमें ऑनेस्ट के बारे में ये पता करना है कि वो क्या है। ऑनेस्ट इस मैन, इस नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि वो आदमी जो है वो ईमानदार है, तो जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका आंसर होगा एडजेक्टिव। और अब आप देख सकते हैं कि दूसरे साइड में जो ये कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, इस कॉम्प्रिहेंशन को पहले आप चित्र देखेंगे और चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इस पैसेज को भी पढ़ेंगे और इस पैसेज को बार बार पढ़िए। इस पैसेज की रीडिंग हम फिर से किसी और शीट में करेंगे, तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए और आगे की वीडियोस देखते रहिए। अगले वीडियोस में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।